शुरुआत करते हैं, मैं आप ही के ऊपर आप ही से सवाल पूछता हूँ कि आपकी समझ में संवाद का क्या मतलब है, क्या होता है कम्युनिकेशन? कोई भी सूचनाओं का आदान प्रदान, थोड़ा जोर से, सूचनाओं का आदान प्रदान, सूचनाओं का आदान प्रदान, बिल्कुल सही। मेरा ना लंबे बाल है तो कान के ऊपर जो मुंह आ जाता है। थोड़ा जोर से बोलिए फिर से एक बार। सूचनाओं का आदान प्रदान, सूचनाओं का आदान प्रदान, सही, बहुत सही, बिल्कुल सही। किस तरह से जानकारी यानी कि सूचना को आप एक जगह से दूसरी जगह तक किस माध्यम से कैसे पहुंचाया जाता है, मतलब गिव एंड टेक। हाँ, और विग्नेश कुछ बोलना चाह रहे हो, कुछ कुछ आ गया है दिमाग में, आ गया है मुंह तक, आ गया लेकिन बोल नहीं पा रहे हो। हाँ, वो इन्होंने कहा सही बात, विशेष रूप से आमने सामने, उसमें दो लोगों का होना बहुत जरूरी है। और कोई कुछ इसमें जोड़ना चाहता है? क्या है संवाद, कम्युनिकेशन का क्या क्या मतलब होता है इसका? दूसरों की कमी यार। हाँ, दूसरों की कमी, थोड़ा और देखो बाल। हाँ, दूसरों की कमी, दूसरों की कमी, थोड़ा और क्या कहना चाहते हैं, थोड़ा सा और बताएं, समझें। तो हमारे हमारे बोलते उसे हमारी कमी के बारे में यार। अच्छा, तो आपके कहने का मतलब है कि जो चर्चा या जो भी संवाद आप करें उससे आपके काम की जो कमी वो बाहर आए। अच्छा ठीक है, और सर वो सही या गलत किस बात पर विषय पर अपन को चर्चा करते हैं ना, उसका कोई गलत या सही का कोई पर उसको मेन चीज के ऊपर आते हैं उसको सार। हां हां, इसी बात पर सब लोग बात को किसी विषय को लेकर करते हैं। हां हां, इसका एक राइट सजेशन लेने का तरीका। अच्छा ठीक है, बहुत बढ़िया। हर पहलू, हर वो मुद्दा जिस पे चर्चा हो रही है, जिस पे संवाद होना चाहिए, उसकी कमियां, उस विषय के अलग अलग पहलू को पहचानना है ना, सही कह रहा हूं? ठीक है, एक और ले लेते हैं। कौन बोलेगा, कौन बताएगा? अपने विचार को दूसरों तक पहुंचाना, वही कम्युनिकेशन। हाँ, काफी लोगों तक एक बार में पहुंचाना है ना, बढ़िया। तो आपकी बातों से जो मुझे समझ में आ रहा है, संवाद का मतलब कि एक ऐसा तरीका जिससे सूचना, जानकारी, विचार, विषय के ऊपर विवाद एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंच सके, है ना? उसमें वो जैसे आपने बोला, वो दो लोगों के बीच हो सकता है, वो एक और हजारों लोगों के बीच हो सकता है, और आज के समय में सोशल मीडिया के माध्यम से आप पूरी दुनिया से एक क्षण में संवाद कर सकते हैं, है ना? तो उसमें एक या दो लोग हों, दस लोग हों, हजार लोग हों, लाखों लोग हों, उसका कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन एक आदान प्रदान जैसे आपने बोला, सूचना का, विचार का, वो होना चाहिए, ठीक है ना? तो सब लोग सहमत है इस बात से, सब लोगों के समझ से यही है संवाद, सब लोग मानते हैं इसको, कोई ऐसा तो नहीं है जिसको लगता है कि इसमें कोई चीज छूट गई है, नहीं? ठीक है, अब मैंने हाथ में चौक पकड़ लिया, क्योंकि मैं कुछ हम लोग थोड़ा सा कुछ कम्युनिकेशन क्या होता है उसकी तरफ बढ़ेंगे, है ना? अब किसी भी संवाद में, है ना, अब हमने बहुत ही बड़ी सी एक हमने एक परिभाषा बना ली है कि संवाद ये है। अब थोड़ा और इसके भीतर घुसते हैं। संवाद के यानी कि कम्युनिकेशन के तीन बहुत ही महत्वपूर्ण भाग होते हैं, मतलब उनकी कंपोनेंट्स होते हैं तीन, है ना? सबसे पहला जो अभी तक जैसे आपने बोला और आपने बोला कि सबसे पहला जो इसका जो कंपोनेंट होता है कम्युनिकेशन का यानी कि संवाद का, वो होता है, सबको बोर्ड तो नजर आ रहे हैं कि कम्युनिकेशन एक माध्यम है, कम्युनिकेशन के लिए माध्यम होना बहुत जरूरी है। अभी मैं जैसे आपसे बात कर रहा हूँ, ये भी संवाद है। मैं एक जगह एक व्यक्ति खड़े होकर 50-60 लोगों से बात कर रहा है, तो बातचीत हमारे संवाद का माध्यम है ना? यही बात अगर मेरे को पारस भाई या
विग्नेश, अगर मैं कंप्यूटर के जरिए आपसे बात करता तो कंप्यूटर टेक्नोलॉजी जो है वो उसका एक माध्यम बन जाता। कुछ भी हो, चाहे आप आपस में बात कर रहे हैं या फोन पे बात कर रहे हैं या एक दूसरे को चिट्ठी लिख रहे हैं या जब आप किसी भी प्रशासन प्रशासन को जब आप आवेदन देते हैं या चिट्ठी देते हैं, हर चीज़ का एक माध्यम होगा, चाहे वो कागज़ हो, चाहे वो फोन हो, चाहे वो इंटरनेट हो, चाहे वो बातचीत ही क्यों ना हो, तो हर संवाद का एक माध्यम होगा। ये एक बहुत है ना, दूसरा माध्यम तो एक चीज हो गई है ना, लेकिन हर संवाद का, चाहे वो कुछ भी हो, चाहे वो बातचीत हो, जैसे कि मैंने पहले बोला है ना, हर संवाद का एक उद्देश्य और एक संदर्भ होता है। अगर मैं यहाँ पे आके गाना गाने लग जाऊं उसको संवाद नहीं कहेंगे, है ना, या मैं कुछ भी ऐसी मतलब अनगिनत बातें आपसे करने लगूं जिसका आज की मीटिंग से कोई लेना देना नहीं है, उसको भी आप संवाद नहीं कहेंगे, क्योंकि वो मैं सिर्फ अड़बड़ा रहा हूँ, कुछ ना कुछ बोले जा रहा हूँ, उसका कोई मकसद नहीं है ना, है ना। अभी जो हम कर रहे हैं इसका क्या उद्देश्य, क्या संदर्भ है, कि हम लोग सब लोग मिलकर इस बात को समझें कि संवाद क्या होता है ना। तो वो इस इधर का वो इस मीटिंग का और उसका संदर्भ क्या है कि यहाँ पे पैरालीगल्स की कैपेसिटी बिल्डिंग चल रही है ना।